लाइफ बहुत बुरी है, लाइफ बहुत बुरी है, मैं लाइफ से हैप्पी नहीं हूँ, मेरे साथ लोग अच्छा नहीं करते, लेकिन फिर भी मुझे एक्सेप्टेबल है। लेकिन फिर भी मैं ऐसे चीज़ों को अलाउ कर रही हूँ, जो कर रहा हूँ। क्या दोस्तों आपको ये डायलॉग फेमिलियर नहीं लगता? आप सुनते नहीं हैं ऐसी बातें अपने आसपास, और या फिर खुद कहीं आपने ऐसी बातें की है, आपने शिकायत भी की है, लेकिन आपने उस शिकायत को स्टॉप भी नहीं किया। लोग आपको अब्यूज कर रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, लेकिन आप उस अब्यूज को ले रहे हैं, कंप्लेन तो कर रहे हैं लेकिन स्टॉप नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों, इस टॉपिक से बात करने से पहले मैं आपको बताती हूँ, मैं हूँ मलिंदर कौर, लाइफ कोच, मेडिटेशन टीचर एंड ऑथर ऑफ मेडिटेशन बुक। दोस्तों, आज हम यही बात करेंगे कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि हमारी माइंड की एक कंडीशनिंग है, और वो कंडीशनिंग ओवर द टाइम बनी है। जैसे कि अब्यूज़ को ले लो, किसी भी तरह का अब्यूज़, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, वो ओवरनाइट नहीं आता, वो स्टार्ट होता है थोड़ा 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 थोड़ा। और उस थोड़े थोड़े को जब वो स्टार्ट होता है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम उसको झेलते हैं, हम उसको स्टॉप नहीं करते, चाहे हम अपनी जो है मजबूरी से करते हैं, जहाँ हमें पता ही नहीं चलता, हम इतनी अवेयरनेस में नहीं है, या फिर हम हमारे कोई और इश्यूज़ है, हमारा डर है, हमारा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन दोस्तों, बात ये है, जब प्रॉब्लम ये है कि हम उस अब्यूज़ में भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, माइंड वो उसको जो है अब उसको खतरा नहीं मानता, माइंड उसको जो है वो रियलिटी मान लेता है, माइंड उसको मानता ही नहीं है कि ये समथिंग जो है नहीं जो होना चाहिए वो है, और हम अपना एक कंफर्ट जोन जो है वो क्रिएट कर देते, एक बबल क्रिएट कर लेते हैं, और हम उसी में रहते हैं, कंप्लेन तो करते हैं, अंदर से हम चाहते भी हैं कि चीज़ें चेंज हो, जो सब स्टॉप हो, लोगों को बताते भी हैं, सिंपथी गेन करते हैं, लेकिन बाहर आने की हिम्मत नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो है हमारी कंडीशनिंग, हमारी माइंड कंडीशनिंग, हमारा डर, हमारा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा जो अपने पे ट्रस्ट ना होना, यूनिवर्स पे ट्रस्ट ना होना, नेचर पे ट्रस्ट ना होना, हायर पावर पे ट्रस्ट ना होना। तो उसको बाहर, जो कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए हमें धीरे 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 वो सब चीज़ें बिल्ड अप करनी पड़ेंगी जो उससे बाहर आने में हमारी हेल्प करें, क्योंकि जो कंफर्ट जोन बन गया है वो भी धीरे 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 ही बना है। तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ओवरनाइट नहीं आने वाला, ओवरनाइट आप डिसीजन ले सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं नो मोर, लेकिन वो आएगा धीरे धीरे। बहुत बार आप टूटेंगे, बहुत बार आप आपको लगेगा जब मैं नहीं लड़ सकता, जब मैं नहीं लड़ सकती, पहले वाली लाइफ ही अच्छी थी, लेकिन नो, अगर आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनेंगे और उस जीपीएस की गाइडेंस को फॉलो करेंगे, तो आप उससे बाहर आ जाएंगे सूनर और लेटर। बाहर आने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, आपकी काउंसलिंग है, आप किसी की बात कर सकते हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा आपका सपोर्ट सिस्टम है आपका जो विश्वास, जिस भी हायर पावर पे आप विश्वास करते हैं, आप उसकी जो है सपोर्ट लीजिए। धीरे धीरे इस कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कंफर्ट जोन सिर्फ अब्यूज़ का नहीं है, कंफर्ट जोन और भी कितने छोटे छोटे हैं, जैसे कि हमारा ईटिंग हैबिट्स, हमारी कुछ हैबिट्स जो डेवलप हो चुकी है, उनसे बाहर आना। तो उन चीज़ों को हम छोटे छोटे स्टेप्स में जो है लेकर, उस कंफर्ट जोन से बाहर आके हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी चेंजेस लेकर आ सकते हैं। द मीन टाइम दोस्तों, अगेन हमारी बुक है 50 ध्यान विद्या, मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान। आप इंडिया में अमेजोन से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे बुक चाहिए तो आप मैसेज छोड़िए।
the meantime, be strong to come out of your comfort zone. Thank you so much.